एसपी सिटी सोनम कुमार ने ड्रोन के माध्यम से शहर के ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। एसपी सिटी ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर वन वे की व्यवस्था लागू की गई है तथा महानगर में मोहद्दीपुर से पैडलीगंज से छात्र संघ चौराहे से यूनिवर्सिटी चौराहा वन वे कर दिया गया है तथा नागरिकों से अपील किया गया है कि वन वे का पालन करेंगे तथा कट का प्रयोग ना करें तथा इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था को चेक करने के लिए ड्रोन के से सर्वे किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, दिखाई नो नीचे लाएंगे तो सड़क विजुअल होगा, उसको नीचे लाइए, थोड़ा हल्का नीचे, उसको नीचे आएगा तो सड़क विजुअल होगा ना साफ। चौराहे के सीधे ऊपर लगा दो ना, क्वालिटी अच्छी होगी ना इसकी, क्वालिटी बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी होगी। चलिए आप लोग मैनुअली हल्का सा ही मूव नहीं होता है होता फोटो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मूवमेंट है। ये चीज़ ना आईटीएमएस कैमरे में भी नहीं दिखती है। आप देख रहे हो इसमें ये दिख रहा है कि ट्रैफिक इधर से आ रही है, इधर जा रही है, इधर से जा रही है, इधर जा रही है। कैप्चर करता है ट्रैफिक वाला की जो सामने से आ रही गाड़ी, वो जो ऊपर जो लाइट वाला है उसमें अगर लगवा ये देखिए, आज कप्तान साहब के आदेश के हिसाब से हमने शहर में जो है वन वे की व्यवस्था लागू की है। ट्रायल बेसिस पे किया गया है, एक्सपेरिमेंटल, और अभी तक ये काफ़ी सफल रही है। इसमें मोहद्दीपुर से पैडलीगंज, पैडलीगंज से छात्र संघ, छात्र संघ से यूनिवर्सिटी चौराहा, यूनिवर्सिटी चौराहा से मोहद्दीपुर, ये वन वे बना दिया गया है। और इसमें जितने भी कट पड़ते हैं रास्तों में उनको बोला गया है कि आप वन वे का ही पालन करेंगे, आप गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है। स्कूलों की छुट्टियां 1 बजे के आसपास होती हैं, 1 बजे 2 बजे भी होती हैं, तो वो उस समय स्कूलों पे अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है और उस समय ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। तो इस पूरी व्यवस्था को चेक करने के लिए हम लोग ड्रोन से सर्वे कर रहे थे, क्योंकि ड्रोन से हमें ट्रैफिक बिल्कुल पानी की तरह दिख जाता है कि किधर से आ रहा है और गाड़ियाँ किधर जा रही हैं, पूरा फ्लो उनका समझ में आ जाता है। इसलिए हमने भी ड्रोन से सर्वे किया है और आगे हम लोग इसमें गूगल मैप्स से हम लोग डेटा उठाएंगे, GPS डेटा उठाएंगे जो गाड़ियों का होता है, और उस पर मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा करके हम लोग यह प्रयत्न करेंगे कि ट्रैफिक के एक अडेप्टिव सिस्टम बन जाए कि जैसे जैसे ट्रैफिक चेंज होता रहे ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से प्लान भी बनता जाए। और ITMS का भी मुख्यमंत्री जी कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय उद्घाटन करेंगे, उसमें भी इसको इंटीग्रेट करने का प्रयत्न करेंगे। DDMS ऐप का जो है उसको भी हमने इसमें इंटीग्रेट किया है कि ड्यूटियाँ समय से पहुँच रही या नहीं पहुँच रही। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं और जो सड़क पर पुलिस खड़ी है और पब्लिक का जो सपोर्ट मिलेगा हमें, इन सब की मदद से हम जो शहर के ट्रैफिक की समस्या है इसको सॉल्व कर पाएंगे।